नमस्कार, आप देख रहे हैं होंकार 24 सेवन और मैं आपके साथ रेनू चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं बदोपुर के जैतपुर में और हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र मौर्य और इनसे हम बात करेंगे इनकी संस्था को लेकर। सर, आपका होंकार 24 सेवन में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी धन्यवाद। सर, आपने हिंदू युवा वाहिनी संस्था कब ज्वाइन करी? ये मैंने करीब एक साल हो गया जी। सर, आपने क्या सोचा था, आपके माइंड में कब आइडिया आया कि आपको हिंदू युवा वाहिनी ज्वाइन करनी है? देखिए, हिंदू वाहिनी काफ़ी मतलब दिक्कत होती है, जैसे पाकिस्तान हो गया और अपना हिंदुस्तान हो गया, जम्मू कश्मीर का मसला हो गया और इस पर पाकिस्तान कितना आतंक फैला रहा है। अगर वो लोग तो एकत्रित हैं, हम हिंदू एकत्रित नहीं हैं जी, इसलिए दिमाग में थोड़ा आया है कि मतलब हम हिंदू अगर एकत्रित नहीं होंगे तो कल को दिक्कत हो सकती है हम लोगों को, इस करके हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। पूरे दिल्ली प्रदेश से पूरा हर जगह अपने हिंदू भाई सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यही मकसद हम लोगों का है। तो मुस्लिम लोग तो एकजुट हैं लेकिन हम लोग एकजुट नहीं हैं, इसीलिए हिंदू भाई लोग कहीं कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, आपका देखिए वहाँ पंडितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लोग नहीं बोल पाते हैं, तो इस करके हमें भी डर है कि कहीं कल को हमारा भी नंबर यहाँ लग सकता है। अगर हम चार भाई इकट्ठे नहीं होंगे तो कभी 10 का सामना नहीं कर पाएंगे, यही हमारा मकसद है। सर, आप हिंदू युवा वाहिनी की वजह किसी पार्टी में भी जा सकते थे? नहीं, हिंदू वाहिनी पार्टी हमें कोई ज्वाइन नहीं करनी है, ऐसा कुछ इच्छा नहीं, हमें तो देश सेवा करनी है और पब्लिक का ही मतलब सहयोग करना है, यही मकसद हम लोगों का। सर, हिंदू युवा वाहिनी क्या काम करती है? हिंदू वाहिनी यही है कि अपना रक्षा करती है और दूसरों की रक्षा करती है, कोई दिक्कत में है उसका सहयोग करना, और चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, एक दूसरे का काम आना, यही हिंदू धर्म है जी। सर, हिंदू धर्म जो हिंदू युवा वाहिनी ये कहती है एकदम पवित्र धर्म से है, लेकिन इसमें मांस मदिरा जो है इसका सेवन नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग कुछ हैं इसमें होते हुए भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 125 करोड़ लोग पब्लिक है आपके सामने भारत देश में, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग मतलब भगत हो जाएंगे और सभी लोग पंडित हो जाएंगे, सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। इसमें 60% लोग सही भी हैं तो 40% गलत भी हैं, 60% सही हैं इसलिए देश चल रहा है, इसलिए पूरा युग चल रहा है आपका, यही है। अब देखिए, सभी लोग तो भ्रष्ट नहीं हैं, सब हम लोग नहीं पीते खाते हैं, अब जहाँ 10 लोग हैं वहाँ एक लोग जरूर धूम्रपान जरूर करते हैं जी, तो ऐसा सब पर बैन एकदम से नहीं लगाया जा सकता। बाकी मदिरा मांस मछली तो ये तो हिंदू धर्म के विरुद्ध है जी। सर, हिंदू युवा वाहिनी जो ज़्यादातर जो गेरुआ रंग की जो है कपड़े यही यूज़ होता है इसमें, तो इसमें गेरुआ रंग ही क्यों यूज़ होता है? देखिए कि हिंदू वाहिनी में एक कलर ये च्वाइस किया गया, हमारे गुरु महाराज जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, अब वो मठ के कुछ हैं भी देखिए और आज CM बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तो कलर कुछ ऐसा कुछ उन्होंने चॉइस किया हुआ, हमें तो इतना ही ज्ञान है श्री राम भगवान जो थे उनका भी कलर यही था, इसीलिए उनके जो भगत लोग हैं और हम उनके वंशज हैं जी, तो ये कलर इसलिए हम लोग यूज करते हैं जी। हिंदू युवा ने हाथ में कलाया, माथे पर टीका, गले में माला, इसका क्या उद्देश्य है? अब कहते तो हैं कि हिंदू जो हाथ में कलावा बांधा जाता है वो एक तरह से तो बहन भाई को बांधता है, तो रक्षा ही के लिए होता है, बहन कहती है मेरी रक्षा करना भैया, इसलिए मैं आपको रक्षा ही बांध रही हूँ, ये धागा ही मत समझना है आप, ये थोड़ा कहना और ज़्यादा समझना है जी। सर, हिंदू युवा वाहिनी जो एकता का प्रतीक है? हाँ जी, एकता का प्रतीक है जी। सर, हिंदू युवा वाहिनी में सिर्फ हिंदू ही ज्वाइन क्यों होते हैं, उसमें मुसलमान या क्यों धर्म क्यों नहीं? नहीं जी, इसमें सरदार लोग भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कुछ लोग जो जुड़ने लिए कहते हैं, हम लोग भी आपके संस्था में जुड़ेंगे और अच्छा था। सर, जो ज़्यादा देखा हुआ है इसमें ना तो कोई और धर्म के इंसानों को देखा गया है, ज़्यादातर इसमें हिंदू ही हो रहा है, क्या हिंदू युवा वाहिनी इसी के नाम से है तो इस वजह से, या अदर्स कोई और इसका उद्देश्य कोई मकसद है? अब देखिए, ये हिंदू तो हिंदू के लिए बना हुआ है जी, हिंदू वाहिनी ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बना हुआ, अब लेकिन जिसका भी इसमें भला होगा वो सब लोग इसमें जुड़ना चाहेंगे, अगर आप किसी का विरोध करेंगे वो आपके पास नहीं जुड़ेगा जी। लेकिन इस टाइम तो सरदार लोग भी कहते हैं हम लोग हिंदू वाहिनी में होना चाहते हैं और हुए भी हैं लोग, हमारे पास उनका रिकॉर्ड है, कार्ड बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है और वो लोग सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, हमारे साथ हैं, तो हम लोग तो ये नहीं कह पाएंगे, सिर्फ हिंदू के लिए ही है जी, ये सबके लिए जी, जो जो जिसका रक्षा करना चाहता है कर सकता है, इसमें जुड़ सकता है, अपना रक्षा करवा सकता है जी। सर, हिंदू युवा वाहिनी की आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है जी, देखिए
अब आपके देश में अब पाकिस्तान अटैक करता है, कहीं बम फोड़ता है, कहीं कुछ करता है। अभी जम्मू कश्मीर में देखिए आप, ये हिंदू लोग एकत्रित नहीं होंगे तो मुस्लिम लोग अटैक कर ही रहे हैं। पाकिस्तान के तो मुस्लिम ही हैं ये लोग, अब हमारे देश में भी, लेकिन ये लोग, इन लोगों से तो कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान वाले जो मियाँ भाई लोग हैं अटैक करते रहते हैं, इतने हमारे फौजी भाई मर रहे हैं, तो कुछ तो हिंदू सोचेगा ना एकत्रित होने के लिए। अगर इकट्ठा नहीं होगा तो उसको लोग तो दिक्कत देंगे ना जी। सर, कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट में ये आया था कि हिंदू युवा वाहिनी एकता ना करके अशांति फैला रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अशांति तो कहीं नहीं जी, जहाँ भी कोई दिक्कत होती है वहाँ चार भाई इकट्ठे होते हैं, उसका जाके फैसला करते हैं, समझाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू आने वाले जाके कहीं चार लाठी किसी को मार रहे हों, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है जी आपका, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो कहते हैं वो हिंदू आने वाले जो अशांति फैलाते हैं, शांति का काम हम लोगों का है। सर, आपने हिंदू युवा वाहिनी ज्वाइन कर ली है, अब तो अब आगे का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, सबको मिला के चलना, सबको एक साथ ले चलना, और कहीं कोई गलत काम हो रहा है, कोई भाई रोड पर चल रहा है, कोई दिक्कत हो गई उसका सहयोग करना, कोई किसी प्रकार की उसको दिक्कत है तो उसके साथ हो जाना, कहीं चले जाना उनके साथ, यही है बस हमारा उद्देश्य जी। जब एक लड़का लड़की पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, या वो फ्रेंड सर्कल में ही बैठे होते हैं, जब हिंदू युवा आने वाले वहाँ पर जाते हैं और लोगों से मारपीट करते हैं, बोलते हैं ये गलत है, अलग अलग तरह के नाम दे के उनको वहाँ से भगा दिया जाता है, जो उसमें एक लफ्ज़ जिहाद का नाम भी सामने आता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदू आने वाले अगर जाते हैं और लड़का लड़की वहाँ मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि सबको सब लोग बोलते हैं जाके, जो गलत होते हैं बच्चे वहाँ उनको समझाने की कोशिश करा जाता है, और वो भी ऐसा कुछ नहीं कि ज़बरदस्ती कोई करा जाए, उनको सलाह से समझाया जाता है कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप के अगर सही बेटे बेटी बेटी हो, आप लोग अपने घर में रहो और सही तरीके से रहना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है। हिंदुस्तान है ये कोई अमेरिका तो है नहीं, कोई इंग्लैंड तो है नहीं आपका, कि जहाँ आपका ये इतना कुछ खुलेआम चलेगा। कुछ शर्म भी होती हैं, ये सब काम करती है हिंदू आयनी, ये नहीं कि उन पर मारपीट करे, कोई अत्याचार करे, अत्याचार करना कोई काम हमारा नहीं है। हमारा काम है सिर्फ एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे का सहयोग करना। सर, कुछ टाइम एक फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि हिंदू युवा वाहिनी हिंदू और मुसलमानों में दंगे कराती हैं। देखिए, दंगा नहीं कराते हैं, ना हिंदू कराता है ना मुस्लिम कराता है, लेकिन मुस्लिम लोग जब कुछ ऐसा करते हैं, जैसे अभी आपका एक लफ्ज़ जिहाद चला है, अभी आपको बहुत स्पीड से चल रहा है इन लोगों का, कि मतलब टोटल हिंदू की लड़की ही मतलब मुस्लिम का टारगेट होता है, इनको भगाना, इनको सेट करना, इनको पैसे मिलते हैं पीछे से खर्चा, तो ये लड़कियों को भगा ले जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं ये लोग, तो उनको जब मारपीट होती है उससे ये नहीं कि मतलब कि ऐसे बेकार में किसी को सताया जाए, ऐसा कोई काम नहीं जी हम लोगों का। सर, अगर धर्म परिवर्तन की बात करें तो ये बोला जाता है कि हिंदू युवा वाहिनी ज्वाइन करने के लिए अदरवाइज कोई और अधर्म ही जो है इसमें ज्वाइन करता है उसे अपना धर्म बदलना पड़ता है, हिंदू है तो मुसलमान जो है वो हिंदू वाला धर्म अपनाएगा, उसी तरह के वेश धारण करेगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हिंदू वाहिनी ज्वाइन करने के लिए कोई धर्म मतलब आपको चेंज नहीं करना है, और सिर्फ हिंदू वाहिनी नाम दिया जाएगा आपको कि आप इसमें मतलब सहमत हैं इसमें काम करने की, हमारे सहयोग लोगों के साथ देने के लिए, तो आपका जो धर्म आपका धर्म रहेगा, हमारा धर्म जो हमारा रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आप हिंदू बनोगे जब भी हिंदू वाहिनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सर, कुछ टाइम पहले ये भी सुनने में आया था कि जो आपने जैसे बताया कि लफ्ज़ जिहाद को लेकर धर्म परिवर्तन को लेकर इसमें सबसे ज़्यादा जो है हिंदू युवा वाहिनी का ही नाम आता है, कि यही ऐसे लोग हैं जो लफ्ज़ जिहाद का मुद्दा धर्म परिवर्तन का नाम लेके लोगों को भड़काते हैं, एक दूसरे में दंगा करा देते हैं और लोग मारपीट करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जनाब, जब अत्याचार होता है तो कुछ ना कुछ तो आदमी करता ही है, जब सर पर पड़ती है तो वो दूसरे पर भी लाठी छोड़ता ही है, और ये ज़्यादातर मतलब आज तक देखिए ज़्यादा सुनने में आ रहा है, जहाँ भी टीवी देखिए, खबर में देखिए, अखबार में देखिए कि हिंदू की लड़की होती है, मुस्लिम लड़का होता है, ये क्या टारगेट है, उन लोगों का क्या सोच है कि ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो नहीं है कि हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, कहीं नहीं सुन रहे होंगे आप लोग, कहीं हजारों में कादा हो तो कह नहीं सकते, बाकी आए दिन रोज डेली की बात है कि मैं हिंदू की लड़की है, मुस्लिम लड़का है, तो ये क्या मकसद है? ये अत्याचार है कि नहीं है इन लोगों का? इसलिए हम लोग इनका विरोध करते हैं जी, सब मिलके। सर, एक बात बताइए, आपने ये दंगे वाली बात के लिए बोला कि ऐसा नहीं है, तो इसमें किसी बीजेपी पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी का नाम नहीं आता, हिंदू युवा वाहिनी का नाम ही क्यों आता है? अब देखिए, जो जिस काम के लिए सक्रिय रहेगा उसी के तो नाम आएगा जनाब, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है तो सभी लोग हिंदू,
इसमें कुछ मुस्लिम भी हैं, और जो अब जैसे अब ये बीजेपी है टोटल हिंदू पार्टी की है, इसमें मुस्लिम भी लोग हैं, तो कोई जरूरी राजनीति में तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जिसको जो गौर करेगा कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान है, यहाँ गलत काम नहीं होना चाहिए, अब हमारे बच्चों के साथ होगा तो हम ही बोलेंगे ना आपको। सर गौशाला की बात करें तो आजकल जो गौशाला के साथ बहुत ज़्यादा गाय को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ उसको काट देते हैं, उनके से मीट खाया जाता है, इस बारे में क्या कहना है? हाँ देखिए, दिल्ली में कई जगह ट्रक पकड़ा गया, इनका मांस भरा हुआ पकड़ा गया, जब भी इनका कार्रवाई नहीं हुई हमारी हिंदू आईनी सिर्फ जाके बोली ये गलत काम नहीं है तो क्या है जनाब, सबको दिखाया गया भरा हुआ ड्रम का मीट का, जब भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई और हमारी हिंदू आईनी सक्रिय हो के जाके कंप्लेंट भी थाने में लिखाया लेकिन केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अब अगर कोई बोलता है तो ये गलत थोड़ी ना जी, ये सिर्फ जैसा कि आपने भी बोला कि ये गलत नहीं है हिंदू युवा, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जो ऐसे गौशालों को लेकर सबसे ज़्यादा मारपीट का मुद्दा ये उठा था कि गौशाला के साथ काटी जा रही हैं, लेकिन फिर हिंदू युवा वाहिनी आगे नहीं आया। देखिए गौशाला में तो नहीं काटी जाती हैं, काटी तो जाती हैं जैसे ये लोग गाय भैंस बैल ये लोग खरीद के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं चोरी से, तो वो काटते हैं, गौशाला में तो इनकी रक्षा करी जाती है जी। देखिए सर बदनाम तो गौशाला के नाम पर ही होती है ना। अब ऐसा तो कोई मेरे सामने नहीं, मकसद कोई आया मसला है कि गौशाला में गाय अगर है तो वहाँ से कट रही है या वो लोग उनको दे रहे हैं। सर जो आप आगे की जो आपकी रणनीति है बदोपुर को लेकर क्या है? मेरी पूरी दिल्ली को लेकर जी, मैं दिल्ली प्रदेश से कार्यकारिणी सदस्य हूँ जी, मेरा पूरा दिल्ली में काम करना मेरा फर्ज बनता है, जहाँ भी कार्रवाई ऐसी होती है तो हम लोग जाना हमारा काम है, खबर मिलनी चाहिए, हम पूरा अपने ताकत लगाएंगे, कभी ऐसा नहीं होने देंगे गाय कटे या बैल कटे ऐसा कुछ नहीं होगा जी। सर हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा आप क्या नए कदम उठाएंगे जिससे लव जिहाद धर्म परिवर्तन और गौशाला जैसे मुद्दे जो हैं वो कम हो जाएँ? देखिए हम लोग ये लव जिहाद के लिए ज़्यादा हमारा वो है कि लव जिहाद नहीं होने देंगे हम लोग। सर कदम क्या उठाएंगे आप? कदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई उठाई जाएगी, उनके सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी, लेकिन लिखित में होगा सब कुछ काम इनका जी, लीगल में होगा, कोई अनलीगल काम हम लोग नहीं करेंगे इनके खिलाफ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुंकार 24/7 ने अपना कीमती टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने महेंद्र मौर्य जी से अनेक मुद्दों को लेकर बात करी और उनका यही कहना है कि वो आगे इनके लिए सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए हुंकार 24/7 हर खबर के साथ। धन्यवाद।